पंडित जी से पूछे पिताश्री कि हे पंडित जी, मेरी पुत्री की भाग क्या है, कैसा इसका भविष्य है, क्या इसका नाम होना चाहिए, आप इसका नामकरण कीजिए। पंडित जी मेरे हाथों की रेखा देखकर, मेरे मस्तक की रेखा देखकर बताएं कि हे राजन, ये कन्या बड़े ही सुशील है, आगे चलकर इतिहास में नाम रचेगी। ये दो भाई की भैयारी में ये जन्म ली है, इसका नाम प्यार से तिल का रख दिया था। हमारी नाम राजकुमारी तिल का पड़ गई, सारी 22 गाजरा में सब लोग मुझे तिल का कहकर पुकारने लगे। इसके बाद समय के साथ साथ मैं बड़ी होती चली गई। जब मेरी उम्र 4 बरस की हुई, इस 22 गाजरा में मेरे भैया ईर्षी अपनी उंगली पकड़कर मुझे महल में चलना सिखाते। मेरे भैया वीर सिंह अपनी गोद में बिठाकर मुझे भोजन कराते, अपनी पलंग पे सुलाकर मुझे लोरी सुनाते। इसके बाद जब मेरी उम्र 12 बरस की हो गई 22 गाजरा में, नित दिन में छोटी छोटी सखी सहेली के साथ अपनी रंग महल में सुपती मौनिया खेला करती, लुका चोरी खेला करती थी। लेकिन अब आई
उम्र में 16 बरस की उम्र चली और इस वक्त जो मेरी 700 सहेली थी राज 22 गाजरा में, सब हमसे छोटी सबसे बड़ी मैं। लेकिन देखिए सोचने वाली बात है, सब सखी सहेली हमसे छोटी थी सबसे बड़ी मैं, 700 सहेली में सबसे बड़ी मैं दिल का। इस वक्त ये जी सब की जसाती हो गई सब की अपनी ससुराल अपनी गोद में बालक खिलाती है। लेकिन बालिए कुमारी दिल का कभी दुल्हन नहीं बनूंगी। कुछ न कुछ मुझे तो करना पड़ेगा। मैं इस वक्त ऐसा करती हूं, आज अपनी 22 गाजरा में तन बंधन से माता जगदम्बा की पूजा अर्चना करती हूं। जब माँ मुझे दर्शन देगी मैं उसे वचन बनवाऊंगी, सारी दिल की बात उसे बताऊंगी, कोई ना कोई रास्ता वो मुझे अवश्य बताएगी। हे माँ, हे जगदम्बा, तुम जहाँ कहीं भी हो, ये 22 गाजरा से बेटी तिलका तुझे पुकार रही है, मेरी फरियाद सुनो, मेरे महल में आकर मुझे दर्शन दो।